नमस्कार बिहार संवाददाता में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। अगर आप भी बिहार में फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं या कर चुके हैं तो आपको भी मिल सकती है नौकरी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बता दें, बिहार में फार्मेसी पढ़ाई कर अब नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य में अब बी फॉर्म पास और फार्मेसी काउंसिल में निबंधित करीब 5,000 बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने का मौका मिल सकता है। इसको लेकर अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल पिछले दिनों बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सरकारी नौकरी को लेकर फार्मासिस्टों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इसमें बी फॉर्म उत्तीर्ण युवाओं को आवेदन का अवसर नहीं दिया गया था। कानूनी पेच के कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इस मामले का निष्पादन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता की मांगों को सुनने का आदेश पारित किया है। बता दें, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 के प्रावधानों को चुनौती फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के आधार पर उच्च न्यायालय में की गई है और इस विचाराधीन याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाए। बिहार तकनीक सेवा आयोग के विज्ञापन को तब तक पूरा ना किया जाए जब तक पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका की सुनवाई पूरा ना कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विज्ञापन के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले सुनवाई नहीं पूरी की जाती है तो पटना उच्च न्यायालय विज्ञापन में फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाए ताकि बी फॉर्म वाले याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन ना हो। इधर उच्च न्यायालय में फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 के प्रावधानों को फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के आधार पर चुनौती दी गई है। बता दें कि बिहार के पूर्व नियमित और संविदा के सभी बहाली में बी फॉर्म अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार फार्मासिस्ट पद पर 12वीं के बाद बी फॉर्म, डी फॉर्म और फार्मेडी करने वाले सभी अभ्यर्थी योग्य है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह निर्देशित किया है कि वो अपनी मांगों को पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में रखे या नई याचिका दायर कर सुनवाई कराए। इससे पहले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि बिना डी फॉर्म किए भी अभ्यर्थी बी फॉर्म और एम फॉर्म की डिग्री हासिल करते हैं। उनका कहना है कि डी फॉर्म फार्मासिस्ट पद के लिए न्यूनतम योग्यता है, इस वजह से इसे अनिवार्य मानना न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह निर्देशित किया कि वो अपनी मांगों को पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में रखे या नई याचिका दायर कर सुनवाई कराए। इससे पहले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि बिना डी फॉर्म किए भी अभ्यर्थी बी फॉर्म और एम फॉर्म की डिग्री हासिल करते हैं। उनका कहना है कि डी फॉर्म फार्मासिस्ट पद के लिए न्यूनतम योग्यता है, इस वजह से इसे अनिवार्य मानना न्याय संगत नहीं है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।